हेलो बच्चों, तो आज का ये लेक्चर है 8th स्टैंडर्ड के लिए। ये मैं 5th लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8th स्टैंडर्ड के लिए। मैंने दो चैप्टर करा दिया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मैंने लास्ट लेक्चर टॉपिक कराया था और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे जो मैं देख रहा हूँ आप लोग कर भी रहे हो। गुड, बहुत अच्छा। और मैं जल्दी से जल्दी उसके आंसर्स भी मैं आपको बता भी दूंगा कि आप कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, तो आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको ऐसा फील आएगा, ये तो मुझे आता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको शायद लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये एंड तक देखिए और जो आगे के स्टैंडर्ड में भी जा चुके हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ आपको, स्क्वायर्स स्क्वायर रूट वर्ग और वर्गमूल, आप सबको पता होगा वर्ग क्या होता है ना। वर्ग मीन्स क्या होता है, एक तो वर्ग होता है ये वाला, है ना, और दूसरा होता है स्क्वायर, वर्ग करना, किसी नंबर का वर्ग करना। किसी नंबर का वर्ग करने का मतलब होता है, किसी नंबर को स्क्वायर करने का मतलब होता है उस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करना, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 2 × 2 करो, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, है ना, ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 4। मैं बोलूं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया 3 स्क्वायर, दैट इज़ 9। आप सब इससे भली भांति परिचित हो। अगर मैं बोलूं 4 × 4 करने, तो वो क्या होगा 4 स्क्वायर, दैट इज़ 16। और मैं बोलूं कि 6 का स्क्वायर करो, तो 6 × 6, दैट इज़ 6 स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 36, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि बताओ वर्ग का डेफिनेशन क्या है, तो क्या बोलोगे, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज called the square of that number, बहुत simple है, square of that number, आपको ये पहले से पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे मैं जाता हूँ कि बताओ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब मैं जो छोटी मोटी चीज़ें मैं नॉर्मली जनरली कई बार यूज़ करता हूँ, मैं उन चीज़ों के बारे में आपको अभी बता देना चाहता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर ये क्या होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है कि अ नेचुरल नंबर इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। मीन्स एक नंबर होता है, कोई भी एक नेचुरल नंबर होता है, अगर वो किसी दूसरे नंबर का वर्ग होता है, तो फिर वो नंबर क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, है ना। जैसे के लिए आपको एग्जाम्पल पे के लिए चाहिए, तो 4 क्या होता है 2 × 2, है ना, या फिर इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर ऑफ 2। तो क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, तो 4 को क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, कि 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर 9 है, तो 9 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 36 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, है ना। तो 4 × 9 = 6 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो कैसे बोलेंगे, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, 36 स्क्वायर ऑफ 6, है ना। सो दीज नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। अगर वही मैं बोलूं कि 30 बताओ परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो आप सोचोगे 30 क्या किसी नंबर को स्क्वायर करने के बाद आता है, नहीं आता है। तो 30 परफेक्ट स्क्वायर हुआ क्या, नहीं हुआ। 29 हुआ क्या, नहीं हुआ। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बहुत कम होंगे, है ना। अगर स्टार्टिंग से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में एक एक करके बोलना स्टार्ट करो, तो 1 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4। उसके बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 9। अगला क्या है, 16। अगला क्या है, 25, है कि नहीं। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो परफेक्ट स्क्वायर आपको समझ में आ गया। कई बार कई लोगों को परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन समझ में नहीं आता है, तो अब आप इसको याद रखना, ठीक है। अब आपको अगर मान लो चेक करना है कि कोई नंबर के बारे में कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ऐसे छोटा नंबर होगा तब तो आप इजीली बता दोगे, है ना। तो आगे आप क्या करो, उसका अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हो जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, वो जानने के लिए आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, है ना।
तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक टॉपिक, आपको ये सब नोट्स में लिखना है, ढंग का नोट्स बनाना है। टू टेस्ट अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ठीक है। तो जैसे देखिए इसको कैसे करेंगे, 336 के बारे में बात करते हैं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो मैं बताता हूँ 336 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको भाग देना स्टार्ट करो। पहले किससे भाग लग सकता है, दो से भाग लग सकता है। दो से भाग दोगे तो कितना आएगा, 168। फिर दो से भाग लग सकता है, 84। फिर दो से भाग लग सकता है, 42। फिर दो से भाग लग सकता है, 21। अब दो से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 3 से 7, फिर 7 से दे दो 1, है ना। तो अब मैं लिखूँगा 336 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब देखेंगे कि क्या इसके जो भी फैक्टर्स हैं वो पेयर में है या नहीं है। अगर पेयर मीन्स क्या, जोड़ों में है या नहीं है। अगर जोड़ों में है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर जोड़ों में नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पेयरिंग देखेंगे यहाँ पे कि पेयर्स अगर होंगे तो पेयर होंगे तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि अब परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग क्या बताया था, किसी नंबर को स्क्वायर करने के बाद आना चाहिए। तो इसमें जो भी नंबर है वो स्क्वायर करने के बाद तो डबल हो जाएंगे ना, पेयर में हो जाता है ना। 2 ये पेयर में बिल्कुल है, ये पेयर में बिल्कुल है, बट 3 है क्या, नहीं है। तो एक भी अगर ऐसा मिल गया जो पेयर में नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपसे। तो अब यहाँ कैसे लिखोगे, क्लियरली 3 and 7 हैव नो पेयर, है ना। देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि 3 और 7 जो है वो पेयर में नहीं। ऐसे ही आपको बस यही चेक करना है, पेयर में हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर है, पेयर में नहीं हुआ, मतलब एक भी ऐसा फैक्टर मिल जाए जो परफेक्ट पेयर में नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ वो नंबर, है कि नहीं। आगे एक और मैं करके दिखा देता हूँ। अगर एक क्वेश्चन होता 180, बहुत सिंपल है, मैं करके आपको दिखा देता हूँ। 2 से देंगे 90 आएगा, 2 से देंगे 45 आएगा, है ना। फिर अब 2 से लग नहीं सकता, 3 से देंगे 15 आएगा, फिर 3 से देंगे 5 आएगा, फिर 5 से देंगे 1 आएगा। मैंने जनरली ऐसे कोई भी नंबर ले लिया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। देखो ये पैर में है, ये पैर में, पैर में होना मतलब दो बार होना, ये एक ही बार है। तो एक ऐसा नंबर मिल गया जो एक ही बार है, तो फिर से क्या लिखूँगा, क्लियरली 5 has no pair, thus और भी बातें आप अच्छे से लिख सकते हो, इफ़ वी मल्टीप्लाई 5 बाय एनी नंबर, मल्टीप्लाई बाय 5, देन ओनली इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, है कि नहीं। देयरफॉर 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे थोड़ी और बातें भी बोल दिया हूँ, जैसे क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि बताओ 180 में क्या से गुना करूँ कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने वो मेंशन कर दिया कि क्लियरली 5 has no pair, 5 के पास कोई पैर नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। लेकिन हाँ, अगर उसमें एक और 5 से गुना कर दिया जाए तब तो ये पैर में हो जाएगा ना, तब फिर वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, है कि नहीं। तो ये बातें आप समझ रहे होंगे। तो चलो, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने दे ही दिया, तो एक और लिख देता हूँ। एक सवाल है आपके लिए, फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2 8 1 2 must be divided so that the quotient
बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है इसमें किस नंबर से भाग दूँ जिससे कि भाग देने के बाद जो भागफल आए वो भागफल एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी सेम काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे। अब आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे। वो कैसे ढूंढेंगे, अभी मैंने आपको बताया था 28812 दिख रहा है, 2 से भाग लग रहा है, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 0 0 एंड 2 6 12, ये आएगा वापस से 2 से लगेगा, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, है ना। अब 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब लेकिन 3 से लग रहा है क्या, 7 2 9 प्लस 3 12 लग रहा है, 3 से 3 2 6, 3 4 12, 3 1 3, है ना। अब 3 से लगेगा क्या, नहीं। नेक्स्ट क्या, प्राइम नंबर से ही भाग देते हैं, 4 से भी नहीं, 4 से तो सोचना ही नहीं है, 5 से भी नहीं सोचना है। नेक्स्ट क्या, वो 7 से ही, 7 से लगेगा, 7 3 21, 3 0, 7 4 28, 2 1 7 3, वापस से किससे लगेगा, ये तो नंबर तो पता ही है, 7 से लगता है 49, और किससे लगता है, 7 से लगता है 7, और किससे लगता है, 7 से लगता है 1। तो क्या लिखूँगा, 2 8 8 1 2, तो ये क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 2 8 8 1 2 इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 7 into 7 into 7 into 7। अब अपना काम क्या है, देखना कि पेयरिंग में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ये पेयर में है क्या, बिल्कुल है, तो यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पेयर में है क्या, बिल्कुल है, तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पेयर में है क्या, बिल्कुल है, तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, है कि नहीं। दिक्कत किधर है, ये अकेला है, तो ये या तो 1 और 3 हो जाता या फिर ये होता ही नहीं, है ना। अगर बोला जाता क्वेश्चन में क्या से गुना करूं, तो 1 और 3 चाहिए था, तो 3 से गुना करो। बट सवाल में क्या है, क्या से भाग दूं, तो भाग देना मींस क्या, 3 से भाग देते हैं, उससे 3 हट जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो क्या, क्या से भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा। तो वापस से मैं ऐसे लिख लेता हूँ क्लियरली, 3 हैज नो पेयर, 3 का कोई पेयर नहीं है। सो इफ वी डिवाइड इट बाय 3, देन क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स क्या होता है, मैंने बार बार बताया, भागफल, क्वेश्चन मीन्स क्या होता है, भागफल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये आसान है। अब आपके लिए कुछ एग्जांपल है, आप करो। पहला सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको बताना है, इज 1575 अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, सवाल क्या दूं, बहुत सिंपल सा है, इस 841 अ परफेक्ट स्क्वायर। अगला सवाल, तीसरा क्वेश्चन ऐसे वाले देता हूं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच। अब यहाँ स्मॉलेस्ट क्यों है, आप ये भी समझिए, स्मॉलेस्ट इसीलिए क्योंकि 3 के साथ साथ अगर 7 × 7 से भी भाग दे दूँ तब भी तो ये भी हट जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना, इसीलिए 3 आंसर बोला, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नंबर बोला गया था, है ना। अगर ये बोल देता कि किसी से भी भाग दो, तो फिर कोई ये भी बोल सकता था कि अगर मैं 7 × 7 भी हटा दूं, साथ में दूसरा 2 × 2 भी हटा दूं, तब भी तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए स्मॉलेस्ट क्या से देना पड़ेगा, 3 से देना पड़ेगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच नंबर ले लेते हैं हम लोग,
एक मिनट, वन थ्री फाइव टू इज बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड, वो मैं सोच रहा था, दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द कोशेंट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तीन सवाल दिया मैंने, आप तीनों ये होमवर्क कीजिए और बताइए कैसे होगा, ठीक है। अब अगली चीज, आपको कुछ नंबर्स का स्क्वायर्स याद होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ नंबर्स का स्क्वायर याद होना चाहिए, कुछ नेचुरल नंबर्स का, वो क्या है, एक से लेके कम से कम 25 तक, है ना। अब वन टू थ्री फोर, एक से 10 तक का तो सबको याद होगा, है ना, एक चार नौ सोलह पच्चीस छत्तीस उनचास चौंसठ इक्यासी सौ, है ना, ये स्क्वायर्स होते हैं एक से लेके 10 तक का। 11 से लेके 25 तक का भी आपको याद होना चाहिए। 11 का क्या होता है, 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, है ना, 19 का 361, मैं लिख नहीं रहा हूँ ये बहुत टाइम लगेगा, 20 का 400, 21 का 441, ये आप करके देखना और 25 तक का फाइंड करना, और एक आप 25 तक का फाइंड करके लिखना, और वो सब आपको याद होना चाहिए, है कि नहीं। अगर वो याद रहेगा तो आगे बहुत इजी रहेगा आपके लिए, है ना। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखाता हूँ और क्या हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टीज। अभी हम लोगों ने देखा परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, देखो लिख रहा हूं अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। एक बात बताओ, अगर आप सारे नंबर को देखो, जैसे मैंने एक से 25 तक को बताया, तो अगर एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐसे ऐसे आप सारे स्क्वायर्स को देखना, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मीन्स क्या, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225, ये सब नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इसके यूनिट प्लेस पे या फिर इकाई स्थान पे या इनके लास्ट में कभी आपको 2 नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, चांस ही नहीं है। 3 कभी नहीं दिखेगा, 7 कभी नहीं दिखेगा और 8 कभी नहीं दिखेगा, चांस ही नहीं है, है कि नहीं। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर को आप देख के, अगर बड़ा सा नंबर है आपको पूछा गया है कि बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, जैसे यहाँ पे ही पूछा गया था आपसे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, है ना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें कि आपको सीधे ही बोल दिया जाएगा, या तो अगर इन डिजिट्स के अलावा, या तो 2 अगर हुआ उस नंबर में तो सीधे ही बता दोगे हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 उसके एंड में हुआ तो सीधे ही आप बता दो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 है तो भी नहीं है, 8 है तो भी नहीं है, हाँ इसके अलावा कुछ और होगा तो आपको उसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद बताना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये बहुत काम की प्रॉपर्टी होती है कि अ नंबर एंडिंग विथ, अ नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, है कि नहीं। देखो कितना अच्छा ये अपने को मिल गया, आप ट्राई करके देखना, चलो 25 तक ही लिख के देखना, कभी नहीं मिलेगा। आगे एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ, लिखता हूँ पहले फिर समझाऊंगा। दी नंबर, आप खुद ही समझ जाओगे, दी नंबर ऑफ जीरोज, दी नंबर ऑफ जीरोज, शून्य की संख्या एट दी एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। इसका नंबर मतलब क्या हुआ कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसके लास्ट में जीरो है, तो लास्ट में अगर जीरो है तो कभी सिर्फ एक जीरो नहीं होगा, सिर्फ 3 जीरो नहीं होगा, 5 जीरो लास्ट में अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है, है ना। 3 जीरो लास्ट में है तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है,
एक जीरो लास्ट में तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता, इवन होना चाहिए। दो जीरो लास्ट में तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि है ही, तब वो हो सकता है। चार जीरो है तब वो हो सकता है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बोला जाए कि आप किसी का नंबर का जीरो है तो जीरो वाले को स्क्वायर करोगे ना, तो एक जीरो इसको स्क्वायर करोगे तो दो जीरो तो आना ही है ना। कभी दो जीरो है तो चार जीरो आएगा स्क्वायर करने के बाद, तीन जीरो है तो छः जीरो आएगा लास्ट में स्क्वायर करने के बाद, लेकिन कभी ऑड नहीं आएगा, है कि नहीं। तो ये प्रॉपर्टी भी अच्छा है। तीसरा एक और प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ परफेक्ट स्क्वायर का, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स इज ऑलवेज, देखो ये सब छोटी बातें हैं बट कई बार बहुत काम आती है, ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड, है कि नहीं। इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा। ऑड होगा तो क्या होगा, उसका स्क्वायर ऑड ही होगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑब्वियस होगा, समझ में आता होगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ, और भी कुछ ढंग की भी प्रॉपर्टीज़ आएंगे जो आपको समझ में और इंटरेस्टिंग लगेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ, उसके बाद में होगा तो समझाऊँगा। फॉर एनी टू कॉन्सिक्यूटिव, फॉर एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एन एंड एन प्लस वन, है ना, एन प्लस वन के लिए वी हैव, देखो क्या है, अगर आप उनको स्क्वायर करके चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉपर्टी बनेगा। मैंने क्या किया, दो कंसेक्यूटिव नंबर को जो बड़ा है उसको स्क्वायर किया, उसमें से छोटे वाले को स्क्वायर करके घटा दिया, तो क्या होगा, या तो इसको मैं स्क्वायर करके करूँ या फिर यहाँ पे देखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज़ कर लूँ, तो क्या होगा, एन प्लस वन प्लस एन इंटू एन प्लस वन माइनस एन, है कि नहीं। ये क्या आ जाएगा, एन प्लस वन प्लस एन, है कि नहीं, जो कि क्या हो गया, टू एन प्लस वन। तो बस मेरा बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो ज़रूरी उनको बस ऐड कर दो, उसके इक्वली आते हैं। देखो स्क्वायर का ये प्रॉपर्टी मैं बोलूँगा कि अगर एक नंबर है उसको स्क्वायर किया, उससे जस्ट पहले वाले नंबर को स्क्वायर करके उनको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो उसके बराबर ही आएगा। कई बार अब आपको कभी कभी मिलेगा 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो एक बार को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम लोग करने लगते हैं 11 को स्क्वायर करते हैं फिर 10 का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ में सीधे दोनों को ऐड कर दो वही आने वाला है, क्या आने वाला है, 21 आने वाला है ना, 15 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। अब ये करने बैठ जाओगे क्या आप, नहीं, अगर दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो दोनों को ऐड कर दो 29, है कि नहीं, 15 प्लस 14 क्या होता है 29, वैसे अगर 19 स्क्वायर है माइनस 18 स्क्वायर में करना है तो क्या करने बैठ जाओगे क्या आप, सीधे दोनों को ऐड करो, ज़्यादा सोचना ही नहीं है एट्सेट्रा, है कि नहीं। ये सब ट्रिक्स होते हैं जो कई बार काम आते हैं और कई लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, उनको स्क्वायर करने बैठ जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे जाके स्क्वायर से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, जो भी स्क्वायर से रिलेटेड हो सकता है। आगे जाके एक आपको नंबर मिलेगा, एक थ्योरम मिलेगा जो होता है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ वहाँ भी स्क्वायर का बहुत काम होता है, तो मैं लिखता हूँ उसको, देखो किस लैंग्वेज में लिखूँगा, ट्रिपलेट एक्स वाई जेड ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स, ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स एक्स वाई एंड जेड इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। वो थ्योरम का नाम आपने क्या सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो उन ट्रिपलेट को क्या बोलेंगे हम लोग, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या है, मैं एक बार वो भी लिख देता हूँ, कैसा, अगर एक्स वाई जेड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, जेड स्क्वायर, या फिर उन दोनों में किसी भी दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते तो वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, उसको क्या बोला जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये देख के कभी डरना मत कि अच्छा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला कैसे जाता है कि नहीं। आपको एग्जांपल अगर जानना है
उसका कुछ एग्जांपल जानना है। तो देखो क्या लिख दूँ मैं, 3, 4, 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब 3, 4, 5 में आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, तीनों ही नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा। अब अच्छा ये भी दिखा देता हूँ, देखो 3² + 4² करके देखना किसके इक्वल आएगा, 5² के इक्वल आएगा। तो क्योंकि ऐसा आ रहा है इसीलिए इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। अगर आप 6² अब इसमें क्या किया, 3, 4, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6² + 8² पहले लिख देते, 6, 8 और 5 में करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, करके देख लेना, 6² + 8² क्या आएगा, 10² आएगा, है कि नहीं। और भी आपको जानना है तो और भी बहुत सारा होता है, 5, 12, 13 है कि नहीं, और 7, 24, 25 ठीक है, ये आप लिख के देना। और भी बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक और मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको बताया ही है, तो मैं मुझे याद आ रहा है कि एक चीज़ आपको बताता हूँ कि फॉर एनी नंबर एन, फॉर एनी नंबर एन ग्रेटर देन वन दी पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज गिवन बाय, या एक फॉर्मूला में बता रहा हूँ, आप 8th में हो स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पता आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो बाद में बहुत काम आता है, 2n (n²+1, n²-1) और n²+1 बाद में आपको समझ में आएगा ये कैसे हो गया। यहाँ देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि n को आप एक से ज़्यादा कुछ भी लो, n को एक से ज़्यादा कुछ भी लो, n का जितना अलग अलग वैल्यू डालोगे उतने डिफरेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको मिलते जाएंगे, है ना। जैसे चलो करके दिखाता हूँ, इसमें आपने क्या बोला था, n ग्रेटर देन 1, तो कोई 1 डाल के मत देखना क्योंकि 1 पे तो ये 0 हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो n का वैल्यू मैंने 2 डाला तो देखो क्या हो जाएगा, पहले 2n में 2 डालोगे तो 4 होगा, इधर 2 डालोगे तो क्या होगा, 3 होगा, इधर 2 डालोगे तो क्या होगा, 5 होगा, है ना। चलो n को 3 डाल के दिखाता हूँ, तो 3 × 2 क्या होगा, 6, 3² क्या होता है, 9 - 1 = 8, फिर इधर डालोगे तो क्या हो गया, 10। चलो n = 4 डालता हूँ, इधर क्या आ गया, 8, 4² - 1 क्या हो गया, 16 - 1 = 15 ना, और 4² = 16 + 1 = 17 करके देखना, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, करके देख लेना आप। अब एक और, चलो एक और कर देता हूँ, n = 5 डाल के देखो तो क्या हो जाएगा, 10, इधर 5 डाला आपने तो 25 - 1 है ना, 5 डाला है इस पर आपने तो 5² - 1 क्या हो जाता है, 25 - 1 = 24 और 26 करके देखना, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया हम लोगों को कि इस पे बेस्ड आप n की 100 क्यों ना डालो। चलो मैं एक और 100 डाल के देखते हैं, है ना, n = 100 डाल के देखते हैं, वो भी देखो कितना बड़ा सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएगा। मतलब कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो ये होता है, लेकिन अगर उसको ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो ये अगर राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल में जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं, बट शॉर्ट फॉर्म में उसे राइट ट्रायंगल बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर ये साइड लेंथ एक्स है, ये साइड लेंथ वाई है, ये साइड लेंथ जेड है, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो x² + y² = z² होगा, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ये तीनों एक, अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड ये है तो इतना पता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स है, अगर ये है तीनों साइड्स तो वो भी एक राइट ट्रायंगल का साइड्स है, ये है तो भी वो राइट ट्रायंगल का साइड है, क्यों, क्योंकि x² + y² = z² इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये है तो भी वो राइट एंगल का ट्रायंगल होगा। 100 डाल के देखो तो 100 × 2 क्या होगा, 200, 100² क्या होता है, 10,000, 10,000 - 1 क्या आएगा, देख लेना कुछ गलत ना हो जाए, है ना, और 10,000 + 1 क्या होगा, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, करके देख लेना आप, है कि नहीं, बहुत आसान है। अब आप बोलोगे कि ये आया किधर से, अरे बहुत आसान है, आप अलजेब्रा में करके देखना, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर करोगे ना तो ये आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, बस उतना ही कहानी और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट एन के लिए, ये आपको मैंने प्रॉपर्टी बताया। चलो एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ,
ऐसे ऐसे और भी बहुत प्रॉपर्टी अच्छे अच्छे आएंगे बाद में ये चैप्टर में, और कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, है ना, आगे के लेक्चर्स में। हो सकता है आज वो ना हो पाए क्योंकि और भी बहुत चीज़ें बतानी होंगी, बट नेक्स्ट डे वो ज़रूर बताऊंगा मैं आपको। आगे एक और प्रॉपर्टी बताता हूं, चलो। द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर m इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट m ऑड नंबर्स। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और कई लोगों को अगर इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि चलो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आता, वैसे मैं बहुत ट्राई करता हूँ हिंदी में बोलने का, और जो लोग इंग्लिश मीडियम्स हैं, जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हिंदी उन्हें मोस्टली समझ में आता होगा जो मैं बोलता हूँ यूजुअली हिंदी में, है ना। और जो लोग हैं जिनको लिखना भी हिंदी में पसंद करते हैं, हिंदी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना, उनके लिए अच्छा है कि ये आपको मिल रहा है, क्योंकि इस बहाने आप सीखोगे तो सीखोगे तो सही, है ना। इंग्लिश में आपको और धीरे धीरे आप देखना कि पहले लेक्चर में जितना आपको समझ आ रहा था, आज उससे ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। और उसके अगले लेक्चर में आप देखोगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो 10th तक, मैं भी वहीं पढ़ाऊँ और मैं अभी इतना लिख रहा हूँ, है कि नहीं। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे मैं भी सीखा ना, सब लोग इसी तरह धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह से बस कोशिश करते रहो, और आराम से बाद में आप इससे भी बेटर आप खुद लिख पाओगे, आप खुद समझ पाओगे, है कि नहीं। बट छोड़ना नहीं है कि चलो समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दें, और पेरेंट्स इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखें, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूँ कि स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर m इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट m ऑड नंबर्स। मतलब ये हुआ कि पहले m ऑड नंबर का सम बराबर जितने ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से बताता हूँ। मतलब पहला एक ऑड नंबर लें, वो क्या है, 1, तो एक ही ऑड नंबर लिया है तो वो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, 5-6 दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। 2 स्क्वायर करते हैं, तो पहले 2 ऑड नंबर को ऐड करो, देखो 2 स्क्वायर के इक्वल होगा। पहले 3 ऑड नंबर को ऐड करो, देखो कितना अच्छा फैक्ट है ये, तो वो 3 स्क्वायर के इक्वल होगा, करके देख लेना आप। पहले 4 ऑड नंबर को ऐड करो, 1, 3, 5, 7, तो वो 4 स्क्वायर के इक्वल होगा, करके देख लेना। 12 + 3, 15 + 1, 16। 5 ऑड नंबर को ऐड करो, क्या होगा, 9, वो क्या होगा, 5 स्क्वायर के इक्वल होगा। आप चाहो तो 10 ऑड नंबर को ऐड कर दो, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1+3+5+7+9+11+13+15+17+19, ये करके देख लेना, ये 10 स्क्वायर के इक्वल होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑड नंबर स्क्वायर किया है, 10 स्क्वायर के इक्वल होगा, करके आप देख लेना, आएगा ही आएगा, है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो, दिस इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ द फर्स्ट 1 ऑड नंबर, है कि नहीं। अब ये आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब आप आगे की कक्षा में जाओगे, मैं सिर्फ 10th की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे जाओगे ना, तो ये मीन्स 11th में 12th में जब जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट ना बहुत बार काम आता है, है ना। और जिन लोगों ने छोटी कक्षाओं में ये पढ़ रखा है उनसे तभी वो कॉन्सेप्ट्स ईजिली हो जाते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तभी सीखना पड़ता है, है कि नहीं। और तभी उनको लगेगा, अरे बाप रे 8th तो हम लोग इतना इजीली पास कर लिए, बट उसमें ये सब चीज़ भी था। बट आप अच्छे से सिलेबस में देखोगे तो ये चीज़ें भी 8th स्टैंडर्ड में रहती हैं, अपने सिलेबस में रहता है, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हम लोग अभी सीख लेंगे तो तब बहुत ही आसान रहेगा, है कि नहीं। अब देखो इसी का मीनिंग क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, इसी तरह बाकी चीज़ें भी है कि नहीं। तो ये एक पैटर्न बन जाता है, और जो बहुत काम का होता है, जो मैं बाद में और भी तरीक़ों से इस चीज़ को प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये क्यों हो रहा है कि नहीं, वो बाद की कक्षा की बात है, अभी सब कुछ तो नहीं सीख सकते। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। एक और प्रॉपर्टी चलो बताता हूँ मैं, एक और प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। अब जो एक और पैटर्न मैं लिखने वाला हूँ, है ना, अब जो पैटर्न लिखने वाला हूँ
उसे ध्यान से देखना, ये आपने पहले भी देखा होगा कि द स्क्वायर, ये बहुत फेमस है, द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइक 1, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, एट्सेट्रा विच आर कंपोज्ड ऑफ डिजिट, ऑफ डिजिट वन अलोन। इसका मतलब क्या हुआ, विच आर कंपोज्ड विथ डिजिट वन अलोन, मतलब वो सिर्फ एक से ही कंपोज होके बना, मतलब वो सिर्फ एक से ही बना, मतलब वन के अलावा कुछ और है ही नहीं। इस सेंटेंस का वही मीनिंग हुआ, हैव अ नाइस पैटर्न, अ नाइस पैटर्न एज एज शोन बिलो, कि वन स्क्वायर इक्वल्स टू वन ही होता है ना। अगर 11 स्क्वायर करना हो तो 1, 2, 1 होता है, 1, 1, 1 स्क्वायर करना हो तो 1, 2, 3, 2, 1 होता है। तो जितने बार 1 है आपको 1 में उतने नंबर 1, 2, 3 तक जाना है, फिर नीचे मतलब वापस से डाउनग्रेड कर देना है और नीचे चला जाना है। और अगर 1, 1, 1, 1 स्क्वायर होता है तो 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 होता है। ये आपको पता होगा मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं पता हो तो अच्छी बात है, अभी आपने सीख लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 है कि नहीं। ऐसे ही करके ये कहाँ तक जाता है, ऐसा नहीं कि आप 11, 12, 1 ले लिया उसमें भी होगा, सिर्फ 9 तक ही होगा। 9, 1 से उसका स्क्वायर है तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है। ऐसे ऐसे और भी पैटर्न मैं बताऊंगा, ठीक है, और भी पैटर्न इसी में आपको मैं बताऊंगा कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा पैटर्न दिख रहा है मुझे, वो क्या है कि ये जो वन स्क्वायर है, ये वन आया है, आपको वन का पहले नहीं बताता हूँ, सेकंड वाला बताऊँगा तो वो दिखेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने जो सोचा वो सही है ना, और वो शायद कहीं होगा भी। देखो ध्यान से, ये 1, 2, 1 जो आया है उसके सारे डिजिट्स को ऐड करो, कितना आता है, 4 आता है ना, 4 आता है, ठीक है। इसके डिजिट्स को ऐड करो, इसके डिजिट्स को ऐड किया तो क्या आया था, 1 आया था। इसको करो कितना आता है, 9 आता है ना। इसके डिजिट्स को ऐड करो आप, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 16 आता है। आपको अब दिख गया होगा पैटर्न मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसको भी चलो ऐड करके देख लेते हैं, 5, 4, 3 देखो नंबर्स कितना अच्छा खेलने वाला मटेरियल है, मैं ये बोल सकता हूँ, कितना कुछ खेल सकते हो आप इसके साथ। तो कुछ नहीं करना है, 16 में सीधे 9 ऐड कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ये 4 + 5 तो एक्स्ट्रा हुआ है, बाकी तो वही नंबर्स हैं, बाकी यही तो है। कितना आ जाएगा, 25। देखो कितना अच्छा अपने को मिला, 1, 4, 9, 16, 25। इसको एक और चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, यहाँ एक ही डिजिट था तो एक ही डिजिट का स्क्वायर, यहाँ 2 डिजिट था तो 2 डिजिट का स्क्वायर। अब ये चीज़ें क्या होती है कि एक मेंटल एबिलिटी में आप टॉपिक पढ़ते हो कि नंबर सीरीज़ है ना, उसमें बहुत काम आता है ये सब। अगर ये चीज़ें आपको पता हो ना, तो नंबर सीरीज़ में कई बार समझ में नहीं आता है कि कैसे आगे बढ़ना है। आपने किया भी होगा नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन, या फिर मैं खुद भी कराऊंगा आपको, तो उसमें समझ नहीं आता है कि क्या पैटर्न फॉलो करना है। तो वहाँ पे ये बहुत, जितने ज़्यादा आपको पैटर्न पता होंगे वहाँ पे उतना ईजीली आप क्वेश्चन कर पाओगे, है ना, उतना ज़्यादा आपका एप्टीट्यूड इम्प्रूव होगा और आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक और पैटर्न मैंने आपको बताया कि देखो इस पैटर्न मीन्स 3, 1 थे, कितने डिजिट से, 3 डिजिट तो 3 का स्क्वायर, 4 डिजिट 4 का स्क्वायर, 5 डिजिट 5 का स्क्वायर, 9 डिजिट करके देख लेना आएगा ही आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा इन सबको ऐड करके, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और पैटर्न बताया, ये वाला तो आपको पता ही होगा, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, बट ये वाला मैं, मुझे लग रहा है कि ये वाला आपको नहीं होगा पता, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि मैंने इतना तक कराया, इस पे बेस्ड मैं 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क आपके लिए, वो आप कीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। और भी 2-4 मैं आपको फन फैक्ट बताऊंगा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का, बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर में अगर ध्यान से पढ़ें तो,
है कि नहीं? है बहुत आसान चैप्टर, बट कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती है इसमें। तो चलो मैं आपको दो चार होमवर्क देता हूँ। पहला, यूजिंग, एक मिनट, नहीं सिंपल, मैं आपको बस कंप्लीट करना है, आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। इवैल्यूएट, पहला 333 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12321, दूसरा 666666 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12345654321, तीसरा, एक और दे देता हूँ आपको, 9999 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12345, और नहीं एक मिनट, 4321, ठीक है। इतने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, और इससे पहले और क्या होमवर्क दिया था मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ आपको। 1 से लेके 1 to पहले 25 बोला था, अब 30 तक आपको लिखना है सब सारे नंबर्स का स्क्वायर, और साथ में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। याद क्या होना चाहिए, 1 to 25 तक के सारे स्क्वायर्स याद होने ही चाहिए। 1 से 30 तक भी हो गया तो अच्छी बात है, बट 1 से 25 तक के नंबर्स के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, है ना। और लिखना आपको इतना तो है ही। और मैंने क्या होमवर्क दिया, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे मैंने होमवर्क दिया था, है ना, ये और होमवर्क दिया था आपको। तो ठीक ठाक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिए, ये नोट्स में आप लिखिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, है ना। और जितना आप इन चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएँ उतना अच्छा है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और बहुत रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है अभी तक, इसी तरह आप कंटिन्यू रखिए, है ना, और पढ़ाई करते रहिए, गार्जियन भी ध्यान दीजिए, और जो सीताराम बाल विद्या निकेतन के स्टूडेंट्स नहीं हैं वो लोग भी पढ़ते रहिए। मैं इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता, अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है, और ये सब बहुत छोटे चैप्टर्स हैं जिसमें इतने फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं जो मुझे लगता है आपको इंटरेस्टिंग लगता होगा। अब सोचो कि और अच्छे चैप्टर्स में और भी कितने अच्छे अच्छे आएंगे, है ना। और इसी तरह आप पढ़ते रहोगे तो मुझे लगता है कि अब मैं बहुत आगे की चीज़ें भी आपको बता दूंगा, है ना। तो पढ़ते रहिए और रुकना बिल्कुल है नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट्स कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, ठीक है।